वैसे तो हम सभी कहते हैं कि पॉलीथिन का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम सभी के घरों में ढेर सारे पॉलीथिन इकट्ठा हो जाते हैं। तो आज मैं पॉलीथिन के कुछ यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये सारे टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं टिप नंबर वन। क्या होता है, जैसे बारिश का मौसम है तो बाहर से लोग छाता लेकर आते हैं, और वही छाता लेकर अगर कमरे में चले आते हैं रूम में, तो पूरा घर पानी पानी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या कीजिए, एक बड़े साइज का पॉलीथीन लीजिए, और जब लोगों के आने का समय हो, मतलब कि आपके घर के मेंबर के आने का समय हो, तो बाहर वाले दरवाजे के कुंडी में इस तरह से पॉलीथीन बांध दीजिए। घर के सारे मेंबर को बता दीजिए, तो बारिश के मौसम में अगर वो छाता लेकर आते हैं तो पॉलीथीन टंगा रहेगा, तो छाते को पॉलीथीन में डाल देंगे। इससे आपका घर पानी पानी नहीं होगा, गीला नहीं होगा, और जब आप फ्री हो तो छाते को निकाल कर धूप में सुखा लीजिए, पॉलीथीन में जो पानी है उस पानी को फेंक दीजिए। तो इस तरह से आपका घर बारिश के मौसम में भी गीला नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल टिप है। इस टिप को इस बारिश के मौसम में आप भी अपना सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी पॉलीथीन हम सभी के घरों में निकलती ही है, तो हम क्या करते हैं, इसको कचरे में डाल देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कचरे के पास जानवर घूमते रहते हैं, और अगर उनको कुछ फल की या फिर सब्जियों के छिलके वगैरह या जो भी उनको लगता है खाने वाली चीज़ें हैं, उनको खाने लगते हैं, तो उन चीज़ों के साथ साथ ये छोटे छोटे पॉलीथीन भी उनके पेट में चले जाते हैं, जो काफ़ी नुकसान करता है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, जब भी आपके घर में छोटा कोई पॉलीथीन निकले, उसको अच्छी तरह से इस तरह से रोल कर लीजिए, और उसके बाद लीजिए पानी का बॉटल। पानी का बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल हम सभी के घरों में होता ही है, इसमें सारे पॉलीथीन को इस तरह से डाल दीजिए, तो सारा पॉलीथीन इसके अंदर आ जाएगा। अच्छे से दबा दबा कर खूब ज़्यादा पॉलीथीन आ जाता है, और फिर इस बॉटल के सहित इसको फेंकिए। तो इससे क्या होगा, कोई भी जानवर इसको खा नहीं पाएगा, और साथ ही साथ पॉलीथीन इधर उधर जो पूरे रोड पर पूरे शहर में फैला रहता है, उड़ता रहता है, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। बारिश के मौसम में अक्सर जब हम घर से निकलते हैं तो रास्ते में बारिश होने लगती है, तो सबसे पहली चिंता हमें होती है फोन की। तो इसके लिए क्या कीजिए, जब भी आप बारिश के मौसम में फोन लेकर घर से निकलिए, तो अपने साथ एक पॉलीथीन इस तरह से छोटा सा रखे रहिए, साथ में 2 से 3 रबर बैंड रखे रहिए, और जब आपको जरूरत लगे तो पॉलीथीन में फोन को इस तरह से रख दीजिए, और पीछे साइड में जितना भी पॉलीथीन है सबको इस तरह से इकट्ठा करके यहाँ पर रबर बैंड लगा दीजिए। आप चाहे तो सेलो टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन अब कहीं रास्ते में है तो वहाँ पर आपको सेलो टेप तो मिलेगा नहीं, या फिर आप लेकर जाइए तो लगा सकते हैं। रोज रोज आजकल बारिश हो रही है, तो आपको रोज रोज सेलो टेप लगाना निकालना पड़ेगा। सेलो टेप लगाना और निकालना झंझट लगता है, तो मुझे तो ये रबर बैंड वाला ज्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा अपने पर्स में 2-3 रबर बैंड और एक पॉलीथीन इस तरह से ट्रांसपेरेंट रखे रहती हूँ। जब भी बारिश होती है और फोन के भीगने का डर होता है, तो इस तरह से पॉलीथीन लगाकर रबर बैंड लगा लेती हूँ। बारिश को देखते हुए मुझे तो ये टिप बहुत ज्यादा पसंद है, आई होप आपको भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वैसे तो मेरे पास देखिए मिक्सी का कवर है, मैं कई सारे वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मिक्सी का कवर अलग अलग तरीके से बताई हूँ, तो ये मैं घर में ही बनाकर तैयार की हूँ। अब बहुत से लोगों के पास मिक्सी का कवर नहीं होता है, या फिर घर में समय भी नहीं होता है कि वो बनाए, तो उनके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। तो अगर आपके पास मिक्सी का कवर नहीं है, या नहीं बना रहे हैं, नहीं बनाने का समय है, या फिर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह से कोई बड़ी पॉलीथीन लीजिए, यानी कि जिस साइज का आपका मिक्सी है उसके हिसाब से पॉलीथीन ले लीजिए, और इसमें इसको कवर करके रखिए। इस तरह से आपको मिक्सी के कवर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये पॉलीथीन बहुत अच्छे से आपकी मिक्सी को सेफ रखेगा, ना तो कीड़े मकोड़े जाएंगे और ना ही किसी तरह की धूल मिट्टी जाएगी, आपकी मिक्सी एकदम सेफ रहेगी। तो है ना कमाल की टिप, इस टिप को आप भी अपने किचन में जरूर अपनाएं। बारिश के मौसम में अक्सर हम देखते हैं बिस्किट हो गया, मिक्सचर निमकी कुछ भी हो गया, या फिर दालें हो गई, चावल या फिर चीनी गुड़ ये सब चीज़ें भी हो गई, कितना भी संभाल कर रखें उसमें सीलन लग ही जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, जब भी आप इसको कंटेनर में रखिए तो ऊपर से इस तरह से पॉलीथीन कट करके लगा दीजिए, और फिर इसका ढक्कन बंद कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगी, और अगर चींटियां जाने का डर है, जैसे कि चीनी में गुड़ में चींटियां जाती हैं, तो ये पॉलीथीन लगाए रहेंगे तो उसमें चींटियां भी नहीं जाएंगी, आपका सामान बिल्कुल सेफ रहेगा।
हम सभी जब भी सफ़र में जाते हैं तो छोटी सी तेल की शीशी या फिर बच्चों की दवा या कोई भी ऐसी चीज़ है जो बॉटल में होती है, प्लास्टिक का हो गया या फिर कांच का कोई भी, कितना भी हम इसको टाइट बंद करें, अच्छे से बंद करें, फिर भी गिरने का डर होता है। कभी कभी गिर जाता है, नहीं भी गिरता है तो हमें अंदर से लगता रहता है कि ये चीज़ें गिर ना जाए, जिससे हमारा पर्स खराब हो जाए या फिर बैग वगैरह जो भी सामान है सब खराब हो जाए। तो इसके लिए भी हम पॉलीथीन लेंगे। मैं दो एक साथ कर रही हूँ, डबल करके ले रही हूँ, आप चाहे तो सिंगल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर पॉलीथीन लगाकर अच्छे से बंद कर देंगे और फिर आप इसको पर्स में रखिए, बैग में रखिए, कहीं भी नहीं गिरेगा। और इस तरह का अगर ढक्कन है तो ये अगर खुल भी जा रहा है तो भी नहीं गिरेगा। ये अगर ये वाला ढक्कन नहीं है, इधर से गिरने का डर है, तो पॉलीथीन लगे होने की वजह से इधर से भी नहीं गिरेगा। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल टिप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम सभी मिर्ची कट करते हैं तो हाथ में लगने लगता है, काफी जलन होती है। किसी किसी की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है तो उसके साथ तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कितना भी साफ कर लें, कितना भी किसी भी तरीके से धुल लें, जलन नहीं जाती है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। दो पॉलीथीन चाहिए। एक पॉलीथीन हम लेफ्ट हैंड में इस तरह से पहन लेंगे, ऊपर से रबर बैंड लगा लेंगे और चाहे तो इसको बांध लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी पॉलीथीन लेंगे, इसमें इस तरह से चाकू डालेंगे और अब हम मिर्ची को कट करेंगे। इस तरह से मिर्ची को हम डायरेक्ट टच नहीं किए हैं, जिससे हाथों में हमारी जलन नहीं होगी और बहुत अच्छे से हमारी मिर्ची भी कट हो जाएगी। तो ये टिप मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे काफी यूजफुल लगी, तो आज मैं एक बार फिर से शेयर कर दी हूँ, जिससे जो नए सब्सक्राइबर हैं वो भी इस वीडियो को देख सके, इस टिप को जान सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कभी कभी हमारी चूड़ियाँ या फिर बाला काफी ज्यादा छोटा हो जाता है तो इसको हम कितना भी कोशिश करें पहनने को, निकालने को, जल्दी नहीं निकलता है। ये तो खैर ठीक है लेकिन किसी किसी का काफी छोटा हो जाता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें टाइट हो रहा है, जाएगा लेकिन टाइट है। इसके लिए भी आप लीजिए पॉलीथीन, चाहे तो यहाँ रबर बैंड लगा लीजिए या बिना रबर बैंड लगाए भी पॉलीथीन से पहन सकती हैं और बहुत आसानी से निकाल भी सकती हैं। तो बहुत ही यूजफुल टिप है। वैसे ये बाला ज्यादा छोटा नहीं है लेकिन अगर आपके पास छोटा बाला है तो उसको भी एक बार ट्राई कीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इसको पहन लेंगी और निकाल भी लेंगी बस एक पॉलीथीन की मदद से। किसी किसी की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है और बर्तन धुलते हैं जैसे कि सोप लग गया, लिक्विड लग गया, तो उनके हाथों में दाना निकल आता है या फिर रेड हो जाता है या फिर खुजली होने लगती है। तो इसके लिए भी आप पॉलीथीन का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें दो पॉलीथीन चाहिए और ध्यान रखिए कि सॉफ्ट वाला पॉलीथीन लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का हो लेकिन सॉफ्ट वाला हो। तो दोनों हाथों में इस तरह से पहन लीजिए और रबर बैंड लगा लीजिए, उसके बाद आप कितना भी बर्तन धुल लीजिए, आपके हाथों में ना तो पानी लगेगा ना ही सोप या फिर लिक्विड लगेगा। बर्तन साफ करने के लिए ये पॉलीथीन बहुत अच्छा है, बस धुलते समय थोड़ा सा फिसलता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा फिसलने वाली पॉलीथीन ना लीजिएगा, थोड़ा सा एक जो रफ टाइप में होता है, जिससे आप आसानी से बर्तन को मांज भी सकिए और धुल भी सकिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा पॉलीथीन ली हूँ लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ टिप दिखाना है। बर्तन धुलने के लिए ही अगर ले रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा पॉलीथीन ले लीजिएगा। वैसे आजकल मार्केट में ग्लव्स भी आते हैं, कई तरह के बहुत अच्छे अच्छे ग्लव्स आते हैं लेकिन वो काफी महंगे होते हैं। कभी कभी ग्लव्स घर में नहीं रहता है, खत्म हो जाता है, तो आप इमरजेंसी में इस तरह से पॉलीथीन लगाकर धुल सकती हैं। तवे का यूज हम सभी के घरों में होता है और क्या होता है, लोहे का तवा तो दोनों समय यूज होता है लेकिन नॉनस्टिक तवे का यूज बहुत कम होता है, कभी कभार इसको हम यूज में लाते हैं। तो नॉनस्टिक तवे को आप अच्छे से साफ करके इसका सारा पानी सुखा दीजिए, उसके बाद इसको रखने के लिए लीजिए पॉलीथीन। पॉलीथीन में इस तरह से इसमें नॉट लगाकर रख दीजिए, इससे क्या होगा कि हमारा तवा खुले में नहीं रखा रहेगा, क्योंकि किचन में कीड़े मकोड़े, कॉकरोच आते हैं, कभी कभी छिपकलियां भी आ जाती हैं तो तवे पर घूमने लगती हैं, तो देखने में भी नहीं अच्छा लगता है और ये हाइजीनिक भी नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। तो इस तरह से जब पॉलीथीन में रखेंगी तो आपका तवा एकदम सेफ रहेगा, जब भी आपको यूज करना हो पॉलीथीन से निकाल कर यूज कर लीजिए और उसके बाद धुल कर सुखा कर फिर से पॉलीथीन में पैक करके रख दीजिए। और इस टिप को आप लोहे के तवे पर भी यूज कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी हमारी पॉलीथीन को लेकर ही है। अक्सर क्या होता है कि हमारे बाथरूम में या फिर वॉश बेसिन में कभी कभी गंदगी फंस जाती है, जैसे कि बाल वगैरह है तो ये जाली में जाकर फंस जाते हैं, तो इसको हम अगर झाड़ू से या फिर किसी भी चीज से निकालना चाहते हैं तो जल्दी से नहीं निकलता है, तो डायरेक्ट अगर हम हाथ से इसको टच करेंगे तो काफी घिन आती है।
तो यहाँ पर भी हम पॉलीथीन का यूज करेंगे। हाथ में इस तरह से पॉलीथीन लगा लेंगे और जो भी गंदगी जो भी कचरा है इस तरह से पॉलीथीन की मदद से निकाल लेंगे। बॉटल का यूज हम सभी के घरों में होता ही है, खासकर ये नैरो बॉटल का यूज तो हम सभी करते हैं। तो यूज करना तो आसान होता है लेकिन जब इसको साफ करना होता है तो काफी दिक्कत होती है। तो इसको साफ करने के लिए हम ज्यादातर इस तरह से ब्रश का यूज करते हैं, लेकिन बहुत से घरों में ब्रश नहीं होता है या फिर छोटा होता है, साइज में छोटा होता है तो भी दिक्कत होती है, बॉटल अच्छे से साफ नहीं होता है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिमटा। चिमटा हम सभी के घरों में होता है और इसी के साथ में चाहिए पॉलीथीन। दो तीन पॉलीथीन आप एक साथ ले लीजिए या फिर सिंगल भी है तो भी काम हो जाएगा, लेकिन दो तीन पॉलीथीन लेंगे तो और आसानी होगी। तो इसको इस तरह से हम लपेट देंगे चिमटे में और यहाँ पर लगा देंगे रबर बैंड। और अब हम इससे बॉटल साफ करेंगे। तो जो भी जेल वगैरह आप बर्तन धुलने के लिए यूज करती हैं ले लीजिए इसमें और इसको गीला करके बॉटल को अच्छी तरह से ऐसे साफ कर लीजिए। बहुत अच्छी टिप है, बहुत आसानी से बॉटल साफ हो जाता है और चिमटा लंबा होता है तो ये भी दिक्कत नहीं होती है कि नीचे तक नहीं जाएगा, पूरा बॉटल बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी बॉटल को बहुत आसानी से बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं सिर्फ एक पॉलीथीन की मदद से। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक छोटी सी पॉलीथीन और ध्यान रखिए कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन लीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें हमें ग्रेटर इस तरह से डालना है। इस तरह से ग्रेटर हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें कोई भी चीज ग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है थोड़ा सा लहसुन ग्रेट करना होता है या फिर अदरक। तो इस तरह से जब हम ग्रेट करेंगे तो हमारा ये ग्रेटर गंदा नहीं होगा, साथ ही साथ ग्रेटर कभी कभी हाथ में लग जाता है तो वो डर भी नहीं होगा। और थोड़ा सा लहसुन होता है या फिर थोड़ा सा अदरक ग्रेट करना होता है तो ग्रेटर में ही फंस जाता है तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। इस तरह से देखिए हमारा ग्रेटर साफ रहेगा, साफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी लहसुन या अदरक हम घिसे हैं इसको निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो जूता चाहे बारिश से गीला हो या फिर धुलने की वजह से गीला हो जाए तो धूप होने के बाद भी जूता सूखने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। तो उस समय भी हमें चाहिए पॉलीथीन और जूते के हिसाब से दो तीन पिन ऐसे लगा दीजिए जिससे जूते का लोड ज्यादा होने पर पॉलीथीन गिरे नहीं। और फिर जो पॉलीथीन की हैंडल है इसमें जूते को इस तरह से फंसा दीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए सूखने के लिए। तो इतनी अच्छी टिप है, इससे जूता बहुत आसानी से बहुत जल्दी से सूख जाता है। आप देखेंगी बारिश के मौसम में अगर जूते को सूखने में दो दिन लगता है तो एक दिन में ही अच्छे से सूख जाएगा। तो है ना कमाल की टिप, इस टिप को आप भी जरूर अपना कर देखिए, सभी के लिए बहुत यूजफुल टिप है। नेक्स्ट टिप के लिए भी हम एक पॉलीथीन लेंगे और झाड़ू में इस तरह से लगाएंगे। अच्छी तरह से लपेटते हुए आप चाहे तो यहाँ पर रबर बैंड लगा दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्लॉथ पिन लगा रही हूँ। तो अब हम सभी के घरों में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम डायरेक्ट झाड़ू से अगर झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू के टूटने का डर होता है। जैसे कि ये सब्जी वाली ट्रॉली है तो इसमें नीचे स्पेस काफ़ी कम होता है, साथ ही साथ इसमें व्हील लगा है तो व्हील में भी झाड़ू फंस जाता है जिससे टूट जाता है। तो यहाँ से आप अगर ट्रॉली के नीचे से आपको कचरा निकालना है तो इस तरह से पॉलीथीन लगे हुए झाड़ू से निकाल सकती हैं, या फिर ट्रॉली है, अलमीरा है, फ्रिज है तो उन सब के नीचे से भी आप इस तरह से कचरा निकाल सकती हैं, आपकी झाड़ू नहीं टूटेगी। और बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं पानी गिर जाता है और वहाँ पर कचरा भी रहता है, खासकर सिंक एरिया के पास जब भी हम बर्तन धुलते हैं तो थोड़ा बहुत पानी तो गिर ही जाता है और वहाँ से भी कचरा हटाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तब इस झाड़ू का यूज आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। बारिश के मौसम के लिए ये टिप तो यूजफुल है ही है, अदर मौसम के लिए भी बहुत यूजफुल है, तो इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी YouTube फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।